नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल फोटोज़ के बारे में। गूगल फोटोज़ पे आप जब भी फोटो अपलोड करते हो देन आप ये सोचते हो कि वहाँ पर आप बिल्कुल सेफ है, बट अगर गूगल फोटोज़ से भी कोई फोटो परमानेंटली डिलीट हो जाए तो उसको हम वापस रिकवर कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आज से बहुत दिन पहले तो ये ऑप्शन था कि अगर परमानेंटली गूगल फोटोज़ में फोटो डिलीट हो जाए तो हम उसको वापस रिकवर कर सकते हैं, बट बीच में अभी पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया तब मैंने आपको बता दिया कि आप गूगल फोटोज़ से कोई भी फोटो रिकवर नहीं कर सकते। बट दोस्तों, अभी एक रास्ता और आया है जिससे हम अगर हमारे गूगल फोटोज से कोई फोटो डिलीट हो गई है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। चांस है, जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है आपकी सहायता हो और ना भी हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना गुस्सा ठंडा ना करें। प्लीज़ कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना सारा गुस्सा ना उतारें, आप कोई दूसरा रास्ता देख लीजिए। देखो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी फ़ोटो आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी आप जो चाहते हो वो फ़ोटो आपकी रिकवर हो, और हो सकता है आप जो नहीं चाहते वो भी फ़ोटो रिकवर हो जाए। इसलिए भाई 50-50 चांस है, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। मेरा फ़र्ज है बताना, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आपकी कितनी हेल्प होती है उसकी गारंटी भाई बिल्कुल भी नहीं ले रहा। तो भाई देखो, गूगल फोटोज़ को हमें मेल करना पड़ेगा, और वो जब भी मेल देखेंगे उनकी टीम, तो मेल देखने के बाद वो हमें रिप्लाई भी कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर ही देंगे। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जिसमें वो गूगल फोटोज़ को मेल करेंगे, मेल करने के बाद वो उसका हमें रिप्लाई देंगे, और रिप्लाई देने के बाद हम उनसे डिस्कस करेंगे कि हमारी फोटोज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें वापस लौटा दो। तो वो मेल किस तरह से भेजना है उसकी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रकाश और मिस्टर जेपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ़ोटोज़ को मेल करने के लिए हम सबसे पहले गूगल फ़ोटोज़ को ओपन करेंगे, उसके बाद यहां से हम जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे। यहां पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड फीडबैक वाला, इस पर जाएंगे। यहां पर जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे वैसे तो, कि आप गूगल फाइल को ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे रिकवर कर सकते हो, ऐसे वैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। तो हमें किसी को भी फॉलो नहीं करना, हमें बस गूगल फ़ोटोज़ को मेल करना है, गूगल फ़ोटोज़ से क्वेश्चन करना है कि भाई हमारी फ़ोटोज़ डिलीट हो गई है तो कृपया करके हमारी फ़ोटोज़ वापस दे दो। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप अपना इशू डिस्क्राइब भी कर सकते हो, बट हमें कोई इशू नहीं करना। आपको यहाँ पर आस्क द हेल्प कम्युनिटी वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो दिक्कत है, आपका जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिकवर, मतलब क्वेश्चन लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू रिकवर। इंग्लिश थोड़ी सी वैसे ही है तो अपने हिसाब से लिख लेना। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे, तो इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वही बताएगा कि ऐसे ऐसे करके इसको डाउनलोड कर सकते हो ये वो। तो हमें इसको छेड़खानी नहीं करनी है। नीचे आके यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो डिलीट हुई है ना, तो फाइंड फोटोज़ पे कर सकते हो या फिर रिकवर वाले पे, इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। तो मैं रिकवर वाले पे करूँगा क्योंकि परमानेंटली मेरी फ़ोटोज़ डिलीट हो गई है, तो भाई रिकवरी वाले पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, तो आपका एंड्रॉयड में से डिलीट हुई है, iOS में, वेब में, आप कौन से मोबाइल में चलाते हो। तो फिलहाल मैं एंड्रॉयड मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो एंड्रॉयड में सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या दिक्कत है, आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पर आप जितना बड़ा पत्र लिख सकते हो लिख दो कि आई वांट टू रिकवर माय डिलीटेड फोटोज, या फाइल्स, वीडियोस, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे लिख सकते हो कि ये फाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो, ऐसे करके आपको अगर कितनी इंग्लिश आती है उस हिसाब से आप लिख भी सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट रिबूट वाले पे क्लिक करना है, तो अभी यहाँ पे सेलेक्ट करना है पार्किंग मीटर्स, कुछ भी आ सकता है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो ये सेलेक्ट करके यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ से पोस्ट वाले पे क्लिक कर दो। तो पोस्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो जाएगा, गूगल फोटोज़ की जो टीम है उसके पास चला जाएगा। और जैसे ही ये चल जाएगा तो यहाँ पे आप देखो हमारे जो ये क्वेश्चन था ये पोस्ट हो चुकी है, और यहाँ पर जितने भी गूगल फोटोज़ से जुड़े हैं वो सभी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, और अगर किसी को पता होगा तो वो यहाँ से रिप्लाई करेगा। और ये हमारी जो मेल है वो गूगल फोटोज़ के पास चला गया, और जाते ही हमारे पास इस तरह का एक मेल आएगा, आप देख सकते हो, और ये पता करेगा कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो गूगल फोटोज़ के पास पहुंच गया है, कि हम किस तरह से अपनी फाइल को, मिसिंग फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो जवाब है वो 24 घंटे में आपको मिल जाएगा, और आपको ईमेल भी मिल जाएगी जिस ईमेल से आप सीधा गूगल की फ़ोटोज़ वाली टीम से बात भी कर सकते हो और उनसे अपनी फ़ोटोज़ को वापस मंगवा भी सकते हो। तो इस ईमेल आने के बाद आपके पास दूसरी जो ईमेल आएगी उसमें आपको कोई रिप्लाई कर देगा कि आप किस तरह से फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप उसके बाद उस ईमेल आईडी के ज़रिए जो लिंक मिलेगी वहाँ से आप गूगल फ़ोटोज़ की टीम से सीधा बात करोगे और उनको क्वेश्चन करोगे कि भाई आप मेरी फ़ोटोज़ को वापस रिकवर कर दो, तो वो आपकी फ़ोटोज़ को रिकवर कर देंगे।
तो दोस्तों इस तरह से आप गूगल फोटोज़ को मेल कर सकते हो। हो सकता है उसका रिप्लाई आज ही आ जाए, हो सकता है 2-3 दिन के बाद आए, बट आएगा ज़रूर रिप्लाई। वो पूछेंगे ज़रूर आपसे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उसका विस्तार से एकदम बता दो ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो के माध्यम से सहायता होगी। कोई इंपॉर्टेंट अगर फोटोज़ डिलीट हुई है तो वापस रिकवर होगी। मैं होप करूँगा मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आपके कितना काम आए वो आप पे डिपेंड करता है भाई, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके पास और बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।